प्रिय मित्रों, मनुष्य के जीवन में भीतर ही भीतर दो शक्तियों का संघर्ष चल रहा है, भलाई और बुराई का संग्राम। दूसरे शब्दों में, ईश्वर के नियम और संसार के आकर्षण के बीच ये लड़ाई चल रही है। इसलिए संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 2:15-16 में लिखते हैं कि तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वो सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। यौन आगे ये भी कहते हैं कि संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वो युग युगों तक बना रहता है। ये तो सब जानते हैं कि जो लोग शरीर की वासनाओं को तृप्त करने के लिए धन संपत्ति, ऐश आराम, मान सम्मान या सेक्स के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं, वे इन वस्तुओं के गुलाम बन जाते हैं। ये लोग स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र मन से जीना उन्हें मालूम नहीं है। वे हमेशा तनाव में रहते हैं, उनके मन में शांति नहीं है, उनके हृदय में आनंद नहीं है। जिन वस्तुओं में ये लोग आजादी और आनंद तलाशते हैं, वहां निराशा ही उनका स्वागत करती है। मनुष्य आनंद और आजादी का मुखौटा पहनकर स्वयं को एवं अन्यों को बेवकूफ बनाते फिरते हैं। ये मुखौटा उतार फेंकने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि मुखौटे के पीछे ये नंगे है। इस विषय में संत याकूब का कहना है कि जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। जो किसी भी तरीके से धन कमाना चाहता है वो संसार का मित्र और ईश्वर का शत्रु है। धन का लोभ मनुष्य को उसका गुलाम बना देता है। धन कमाने की इच्छा मनुष्य के अंदर इतनी तीव्र बनती है कि वो कभी संतृप्त नहीं होता। कमाओ और कमाते रहो, यही मनुष्य की स्थायी भाव प्रतीत होता है। चोरी डकैती हो या घूस रिश्वत, लूटपाट हो या जमाखोरी, धन कमाने का मौका वो छोड़ता नहीं। उसको मालूम है कि गलत तरीके से कमाया धन टिकेगा नहीं। छल कपट से या दीन दुखियों का खून चूसकर इकट्ठा किया हुआ धन उसके मन की शांति लूट लेता है, उसके परिवार की नींव मिटा देता है, उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। प्रवक्ता ग्रंथकार कहते हैं, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और ये मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। ग्रंथकार आगे ये भी कहते हैं कि सोने ने बहुत लोगों का विनाश किया है और चांदी ने राजाओं का हृदय भटकाया है। उत्पत्ति ग्रंथ में वर्णित जल प्रलय के प्रसंग में नूह से ईश्वर का यह कथन सार गर्भित है, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूंगा।
मनुष्य के पाप और संसार के विनाश का गहरा संबंध होता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 17 में ईश्वर आदम से कहता है, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। इस अतिगंभीर वास्तविकता के सामने मनुष्य स्वयं को असहाय पाता है। तुम्हारे कारण भूमि शापित होगी। सृष्टि के मुकुट एवं दिशा निर्देशक के रूप में नियुक्त मनुष्य अपनी ही भारी गति से स्वयं को शापग्रस्त पाता है और सारे संसार के लिए शाप का कारण बन जाता है। असहाय मनुष्य रोता है, इस मरणशील शरीर से कौन मुझे बचाएगा? संत पौलुस इसका सही उत्तर देते हैं, मसीह का क्रूस ही मुझे बचाएगा। ये मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहां प्रभु के ये शब्द हमारे मन में सदा गूंजते रहे, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगा कर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगा कर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आइए हम प्रभु के बताए मुक्ति मार्ग पर चलते हुए सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के राज्य के वारिस बनने का प्रयास करते रहे। जय यीशु।